झूठ चलाए तुम दोनों चैनल वाले, शर्म आना आप लोगों को, हटाइए जाइए। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल ओवैसी की एक रैली हुई थी, जिस रैली के बारे में ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि ओवैसी की रैली में औरंगजेब के नारे लगे हैं, औरंगजेब जय जयकार के नारे लगे हैं, जिस बात का खंडन सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से किया गया है। ओवैसी ने कहा कि रैली में औरंगजेब के समर्थन में नहीं लगे नारे चैनलों पर करेंगे मुकदमा। उन्होंने चैनल्स को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जो चैनल झूठी खबरें दिखा रहे हैं उनके खिलाफ मैं मामला दर्ज कराऊंगा। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, 29 सेकंड का वो वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल उस 29 सेकंड के वीडियो में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि जो झूठी खबर दिखाएगा, जो चैनल झूठी खबर को प्रचारित और प्रसारित करेगा उसके खिलाफ मुकदमा करूंगा। देख लीजिए, न्यूज 24 ने बाकायदे वीडियो ट्वीट किया है, वीडियो देखिए। झूठ पे झूठ चलाए तुम दोनों चैनल वाले, शर्म आना आप लोगों को, हटाइए जाइए। झूठ बोल रहे आप, झूठ बोल रहे आप, केस बुक करूंगा, आप नोटिस दिया हूं एक। तो वीडियो में आप देख रहे हैं कि जो न्यूज चैनल झूठी खबरें दिखा रहे हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज करूंगा। असदुद्दीन ओवैसी बार बार ये कह रहे हैं कि जो खबर फैलाई जा रही है गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चैनलों पर मुकदमा करने की बात असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से की गई है, क्योंकि ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है, खबर फैलाई जा रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की रैली में औरंगजेब जय जयकार के नारे लगे हैं। ओवैसी ने फर्जी खबरें प्रसारित करने के लिए इन टेलीविजन चैनलों के खिलाफ मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि उस समय मलकापुर की रैली में पुलिस मौजूद थी, आप चैनल लोग जो है झूठी खबरें प्रसारित कर रहे हैं, गलत खबरें दिखा रहे हैं। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में उनकी रैली में मुगल बादशाह औरंगजेब के समर्थन में नारे लगाए गए। कुछ समाचार चैनल पर झूठी खबरें देने का उन्होंने आरोप लगाया है। ओवैसी ने फर्जी खबरें प्रसारित करने के लिए इन टेलीविजन चैनलों के खिलाफ मुकदमा दायर करने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि उस समय यानी कि मलकापुर की रैली में पुलिस मौजूद थी, आप जो चैनल्स हैं वो झूठी खबरें प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, आप मुसलमानों से कितनी नफरत करेंगे, मैं आपके खिलाफ मामले दर्ज कराऊंगा। ये सीधे तौर पर चेतावनी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से दी गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जो लोग इस तरीके की भ्रांतियां फैला रहे हैं उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव के साथ कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो आश्चर्यचकित हैं कि राज्य में अचानक औरंगजेब के समर्थन में नारे कहां से आ गए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और पूरे भारत के मुसलमान औरंगजेब के वंशज नहीं हैं, जल्द ही इसका खुलासा हो जाए कौन और किसके इशारे पर ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं, ये बात भी कही गई। लेकिन फिलहाल तो जो चर्चा उठ रही है कि ओवैसी के रैली में लगे नारे औरंगजेब अमर रहे, आई चीफ ने हाथ उठाकर इशारा किया, भाजपा ने पुलिस में की शिकायत, भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शिकायत कर दी है, मामला गंभीर हो गया। दैनिक भास्कर ने बकायदे खबर लिखी है कि ऑल इंडिया मजलिसे इल्तिजाइन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को बुलढाणा के मलकापुर में जनसभा की थी। उनके भाषण के बीच में कुछ लोगों ने औरंगजेब अमर रहे के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में लोगों को यह कहते हुए सुना गया कि जब तक सूरज चांद रहेगा औरंगजेब का नाम रहेगा। जब ये नारेबाजी हो रही थी तब ओवैसी इन लोगों को हाथ से चुप रहने का इशारा करते नजर आ रहे थे। हालांकि बाद में ओवैसी ने कहा कि कुछ न्यूज चैनलों ने मेरी सभा में औरंगजेब के नारे लगाने की झूठी खबरें चलाई हैं, मैं उनके खिलाफ केस दर्ज कराऊंगा। बीजेपी नेता किरीट सुमैया ने बुलढाणा SP सुनील कडासने से ओवैसी की सभा में औरंगजेब के नारे लगाने की शिकायत की थी। उन्होंने नारे लगाने वालों पर कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया था, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो की जांच कर कानूनी कार्रवाई की बात कही थी। ओवैसी ने जनसभा के दौरान 23 जून को पटना में हुई विपक्षी पार्टियों की मीटिंग पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता मुझे क्यों बुलाया गया, जलील ने जो मुद्दा उठाया वो गंभीर है, मेरा सवाल है कि क्या किसी प्यासे के जल स्रोत के पास आना चाहिए या प्यासे के पास पानी जाना चाहिए। इस दौरान ओवैसी ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं वाली टिप्पणी पर पीएम मोदी की आलोचना भी की। उन्होंने कहा सबसे बड़ा भेदभाव यह है कि भाजपा के 300 सांसद हैं लेकिन उनमें से एक भी मुस्लिम नहीं है, केंद्र सरकार में भी कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। इसी महीने कोल्हापुर में औरंगजेब पर पोस्ट पर हिंसा भी हुई थी, आपने देखा था इसी जगह पर हिंसा हुई थी। कोल्हापुर के औरंगजेब की तारीफ में एक सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर दो गुटों में झड़प भी हो गया था, जिसमें दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले थे, पत्थरबाजी हुई थी। इस दौरान पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया था। दरअसल एक व्हाट्सएप ग्रुप पर औरंगजेब की तारीफ का कुछ लोगों ने पोस्ट वायरल कर दिया था। इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद का आह्वान कर दिया था।
वे इन लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके से घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद दो लोगों पर मामला भी इसमें दर्ज किया गया था। मुंबई के माहिम इलाके में बुधवार रात उद्धव ठाकरे और बहुजन समाज अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर पोस्टर औरंगजेब के साथ लगाए गए। होर्डिंग पर मराठी में लिखा है, प्रकाश आंबेडकर औरंगजेब की धुन पर नाच रहे हैं और उद्धव ठाकरे इसका समर्थन कर रहे हैं। इस तरीके से भी चीज़ें मतलब फैलाई गई थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से महाराष्ट्र में हवा को ख़राब करने की कोशिश हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी उन आरोपों का जवाब भी दे रहे हैं और लिख भी रहे हैं। अब कुछ और तरीके के लोग हैं जो इस पर कटाक्ष कर रहे हैं। दोनों तरीकों के कटाक्ष हम दिखाएंगे, हम पार्शियलिटी नहीं करते हैं, हम आपको खबर दिखा रहे हैं। लेकिन इस तरीके से अगर गलत खबर प्रसारित और प्रचारित की जा रही तो गलत है। और इसकी धमकी दी है, धमकी चैनलों को दी है असदुद्दीन ओवैसी ने अपने अंदाज में, कहा है कि मैं मुकदमा करूँगा। योगी विपुल नाम के ट्विटर लिखते हैं कि विपक्षी दलों ने लात मार दी तो टूट पड़े पत्रकार और न्यूज़ चैनल पर। यानी असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ये कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां जो थी उन्होंने अपने कार्यक्रम में बुलाया नहीं, उन्होंने तवज्जो नहीं दी, उन्होंने तरजीह नहीं दी इनको, तो अब ये नाराज़गी है जो न्यूज़ चैनल्स पर दिखाई जा रही है, नाराज़गी दिखाई जा रही है। दरअसल विपक्षी दलों की बैठक में असदुद्दीन ओवैसी को न्योता नहीं दिया गया और असदुद्दीन ओवैसी इस पर बोल भी रहे थे कि प्यासे को पानी के पास जाना चाहिए, पानी चलकर खुद प्यासे के पास जाएगा। इसका एग्जाम्पल दे रहे थे कि उनके पास आना चाहिए था, न्योता देना चाहिए था विपक्षी पार्टियों को, इसलिए तो अल्पसंख्यक वोटों को अपने पाले में करने के लिए वो अब इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा आरोप उन पर लग रहा है, कह रहे हैं कि विपक्षी दलों ने लात मार दी तो टूट पड़े पत्रकार और न्यूज़ चैनल पर, और फिर चिल्लाते फिरेंगे मोदी सरकार प्रेस की स्वतंत्रता नष्ट कर रही है। इस तरीके से लिखा जा रहा है लोगों द्वारा। मोहम्मद इम्तियाज आलम लिखते हैं, फिर प्राइम टाइम में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए कौन बुलाएगा। मतलब ये जो बातें की जा रही है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बुलाने के लिए की जा रही हैं, मतलब एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में फिर तुमको कौन बुलाएगा। ये भी लोग कह रहे हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तभी बुलाया जाएगा जब मतलब मुकदमा नहीं करोगे, मुकदमा कर दोगे तो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाएगा। इस तरीके से भी लोग कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो बातें असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कही जा रही है वो जो बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं कि देखिए अगर जिसने भी गलत खबर चलाई मैं उसके खिलाफ़ मुकदमा करूँगा तो क्या आने वाले समय में मुकदमा होगा, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। क्योंकि ओवैसी को लेकर वैसे चर्चा इस समय जोरों पर हो रही है और औरंगजेब को लेकर जो महाराष्ट्र में विध्वंस हुआ था ये सब तो आपने देखा था कि औरंगजेब के मामले को लेकर पोस्ट वायरल होने को लेकर किस तरीके से हंगामा मचा था। और अब जो इस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आई कि असदुद्दीन ओवैसी की सभा में औरंगजेब के जिंदाबाद के नारे लगाए कि जब तक सूरज चांद रहेगा औरंगजेब तेरा नाम रहेगा, इस तरीके की चीज़ें जब थी तो उसको लेकर ये चीज़ें निकल कर सामने आई। मोहम्मद आरिफ लिख रहे हैं, वो जो बयान दिया था कि आल पार्टी अपोजिशन मीटिंग में हमें इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि हम सच्चाई को बयान करते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं वो ये भी देख लें कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भैया हम इसलिए नहीं आए क्योंकि हम सच्चाई के साथ हैं, हम सच बोलते हैं, इसलिए हमको शायद बुलाया नहीं गया। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने जो आरोप लगाए बेहद गंभीर हैं, तो क्या न्यूज़ चैनल्स पर कार्रवाई होगी, क्या उन न्यूज़ चैनल पर बैन लगाया जाएगा या न्यूज़ चैनलों को हिदायत देकर छोड़ दिया जाएगा, क्या असदुद्दीन ओवैसी कार्रवाई करें, क्या कुछ होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो ये मुसीबत तो बहुत बड़ी साबित हो रही है। तो लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।